तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ले चुके हैं। वहीं सारे भाजपा नेताओं का एक दूसरे को बधाइयों देने का दौर शुरू हो गया है। वहीं ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को बधाई दी है। नीतीश के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। नीतीश के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बिहार जिले से बता रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश के मंत्रिमंडल का भी आज विस्तार होना संभव है। बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। नीतीश के साथ साथ 8 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता आरती रॉय का रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज हो सकती है। क्या खास रहने वाला है, किस तरीके से इस बैठक को आप देख रही हैं? और क्योंकि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं, ऐसे में 8 नए मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया है, क्या कुछ आज बैठक में खास रह सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता होगा फातिमा की नीतीश कुमार ने कल जो है 9वीं बार बिहार के सीएम के पद की शपथ ली और इसमें 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 4 और बीजेपी से 3 और जीतन राम मांझी जो है उनमें से हम के एक निर्दलीय विधायक भी है। और 11:30 बजे आज नई कैबिनेट बैठक एनडीए की जो होने वाली है, इसमें विभागों का बंटवारा हो सकता है और साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। और इस बैठक में जो विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। और बता दूं आपको, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने गोपनीयता की भी शपथ दिलाई थी। बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं।